नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कल यूपी में आखिरी चरण का मतदान हो गया और अब 10 मार्च को होने वाली मतगणना पर सबकी नजर टिक गई। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यूपी का सबसे सटीक एग्जिट पोल। जी हाँ, यूपी में किसका चला जादू, कौन रह गया फिसड्डी, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत के संकेत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पूजा पाठ। जी हाँ, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुबह सुबह सीएम योगी ने गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद लिया, वहां गौशाला में गायों को चारा खिलाया। गोरखनाथ मंदिर में योगी का पुराना नाता है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे विधि विधान के साथ योगी जी लग गए पूजा पाठ करने में। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में यूपी को लेकर अनुमान है, क्या वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें दरअसल बयां कर रही हैं कि कैसे इस एग्जिट पोल के मायने बीजेपी के लिए खास तौर पर अहम है। प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर बीजेपी आती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, साथ ही मणिपुर के नतीजे भी बीजेपी के फेवर में हैं। गोवा में भी कड़ी टक्कर है कांग्रेस के साथ, लेकिन उत्तराखंड का नतीजा भी काफी ज्यादा दिलचस्प है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि यहां पर भी बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये अनुमान पूरे नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो ये तस्वीरें सुबह की, जब गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी पहुंचे और आप तो जानते ही हैं कि कैसे योगी जी हमेशा यहां से जुड़े रहे हैं, यहां से खास तौर पर गौशाला में जो गायें हैं उनका लगाव रहा है। और आज भी ऐसी तस्वीर दिखाई दी, क्योंकि अब महज एक दिन का समय बचा है और एक दिन में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी क्या एग्जिट पोल में जो अनुमान आए हैं वो वाकई आंकड़ों में तब्दील हो पाते हैं या नहीं। तो इंडिया टुडे माय एक्सिस का पोल हम आपको दिखाएंगे और इस पोल में साफ हो रहा है कि कैसे बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता एक बार फिर से बनाने जा रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के पोल में यह साफ हुआ है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और साथ ही मणिपुर में भी बीजेपी के ही फेवर में नतीजे दिखाई देते हैं। तो गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी की पूजा अर्चना, पहले वो गौशाला पहुंचे, वहां पर गौ सेवा की, उसके बाद बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए और इस दर्शन के साथ ही इस वक्त भी सीएम योगी यहीं पर मौजूद हैं। अब देखिए, ये भी दिलचस्प है, अपने आप में इतिहास होगा अगर यहां पर बीजेपी दोबारा सरकार बनाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सरकार यहां पर रिपीट हुई हो। दो तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे एक बार फिर से जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है उसी के दम पर यह कहा गया था कि 300 आंकड़ा हम पार कर लेंगे और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर एग्जिट पोल के नतीजों को हम सही रिजल्ट्स में तब्दील होते हुए देखते हैं, चलिए अब आपको दिखा देते हैं कुछ आंकड़े जो कल एग्जिट पोल में सामने आए हैं। एक्सिस माई इंडिया का ये पोल और इस पोल में साफ तौर पर बीजेपी उत्तर प्रदेश की अगर सबसे पहले बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं जिसमें 46% वोट परसेंटेज बीजेपी को हासिल हुआ है। 36% समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को 12%, कांग्रेस और अन्य को 3-3%। एक लिहाज से अगर देखा जाए तो यह भी बेहद दिलचस्प है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी पार्टियों का यहां पर पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएसपी को थोड़ी बहुत वोट परसेंट हासिल हुआ लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी हार की ओर इशारा कर रहा है। कुल सीटें 403 जिसमें 288 से 326 सीटों का अनुमान बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी गठबंधन के लिए, समाजवादी पार्टी और आरएलडी प्लस गठबंधन के लिए 71 से 101 सीटें, बीएसपी के लिए 3 से 9 सीटें, वहीं कांग्रेस और अन्य के लिए लगभग 1 से 3 सीटें यहां पर दिखाई देती हुई। और ये जो दरअसल पोल किया गया है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का, इसमें साफ हो रहा है कि कैसे जो तमाम दावे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ओर से किए गए थे वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी के लिहाज से फेल दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। 45% यहां पर लोगों का ये मानना है कि वो
योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। 35% की चॉइस अखिलेश यादव हैं, 12% की चॉइस मायावती हैं, प्रियंका गांधी को सिर्फ 1% वोट हासिल हुए, जबकि जयंत चौधरी भी उन्हीं के बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इस एग्जिट पोल से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। आज तक एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी की लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत में सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 288 से 326 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं समाजवादी पार्टी को 71 से 101 सीटें मिलती दिख रही हैं। बसपा के खाते में 3 से 9 और कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। कि हम लोग 305 का या 300 प्लस का आंकड़ा पार करेंगे, एक अंडरकरंट था और अंडरकरंट जो है वो शायद आपके एग्जिट पोल ने उसको कैप्चर किया है। अंडरकरंट जो था एक बुलडोजर बाबा का तो था ही था, जो डेवलपमेंट जिस प्रकार से मैं कहूंगा चौमुखी जो विकास हुआ हर तरफ, वो एक बड़ा भारी इम्पैक्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो विकास करना देखना ही बंद हो गया था। तो ये सब चीजें लेते हुए उत्तर प्रदेश आज एग्जिट पोल के आधार पर मैं यही कह सकता हूँ एक बड़ा रिकॉर्ड जो थी 3 दशक का वो तोड़ने जा रहा है। ये गुमराह करने वाला एग्जिट पोल है। समाजवादी पार्टी 300 प्लस सीटें जीत रही है, मुख्यमंत्री जी भी अपनी सीट बचाते हुए घूमते नजर आ रहे हैं कि उनकी सीट बच जाए, उप मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी हारे हुए डिक्लेयर हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की हालत ये उत्तर प्रदेश के अंदर में कि उनका जीतना मुश्किल है। यूपी में 403 सीटें, बहुमत के लिए 202 सीटें जरूरी है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में सभी 7 चरणों को कवर किया गया है। पहला चरण 58 सीटें, बीजेपी को 49, समाजवादी पार्टी को 8 और बीएसपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। दूसरा चरण 55 सीटें, बीजेपी को 32, समाजवादी पार्टी को 22 और बीएसपी को 1 सीट मिलती दिख रही है। तीसरा चरण 59 सीटें, बीजेपी को 48, समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। चौथा चरण 59 सीटें, बीजेपी को 55, समाजवादी पार्टी को 3 और बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। पांचवा चरण 61 सीटें, बीजेपी को 44, समाजवादी पार्टी को 14 सीटें, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। छठा चरण 57 सीटें, बीजेपी को 43, समाजवादी पार्टी को 10 और बीएसपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। और सातवां चरण 54 सीटें, बीजेपी को 36, समाजवादी पार्टी को 18 सीटें मिलने का अनुमान है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का अगर सार निकालें तो महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड जैसे मुद्दों को भुना पाने में विपक्ष नाकाम रहा है और लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और योगी सरकार के कामों पर मुहर लगा दी है। तीन चीजें महत्वपूर्ण जो दिखी वो प्रशासन, राशन और महिला। यदि इन तीन शब्दों में इस बीजेपी की जो जीत नजर आ रही है इतनी बड़ी, इन तीन शब्दों में समराइज है, जो कि सभी लोगों ने कहा जल कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी सेंट्रल गवर्नमेंट की और योगी स्टेट गवर्नमेंट का प्रशासन व्यवस्था। आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल सर्वे के दौरान उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर 1,21,000 से ज्यादा मतदाताओं से सीधे सवाल जवाब किए गए और सभी वर्ग के मतदाताओं से बात की गई। सर्वे के दौरान बीजेपी को वोट देने वाले मतदाताओं से जब पूछा गया कि उन्होंने किस मुद्दे पर बीजेपी को वोट दिया तो 27% मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने विकास के नाम पर वोट दिया। 11% ने कहा कि फ्री राशन की योजना से प्रभावित होकर उन्होंने वोट दिया। 9% लोगों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे बड़ा मुद्दा था। 8% लोगों ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के नाम पर वोट दिया। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल में एक बार फिर यूपी में योगी सरकार बन रही है, लेकिन फाइनल नतीजे 10 मार्च को आएंगे और सबसे तेज नतीजे आप देख पाएंगे सिर्फ आज तक पर। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं एग्जिट पोल से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का क्या दावा था। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में जीती थी।
इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। मैं तो चैनल के लोगों को और जो तमाम एजेंसियां उनको धन्यवाद दूंगा कि उनका जो भी हो सही निकले, और जब सही नहीं निकलेगा तो जनता देखेगी असली परिणाम क्या है। जो असली परिणाम है, समाजवादियों ने जो टारगेट फिक्स किया था 400 सीटों का, मुझे ये उम्मीद है आज कि 300 सीटें गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ जीतने जा रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, उससे पहले सभी खास मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। चुनाव विश्लेषक संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी नेता मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरशद आबिद जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मोहसिन रजा जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। रात में नींद तो बहुत अच्छी आई होगी कल, लेकिन अभी एक दिन बाकी है रिजल्ट आने में। क्या मिठाई का ऑर्डर दे दिया गया है या फिर वेट एंड वॉच की पॉलिसी है? देखिए, जो अनुमान आप सबने दिखाया नेहा, उस अनुमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता था, क्योंकि हमने गरीब कल्याण योजनाएं, डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री की योजना, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की मेहनत, और जिस तरह से तत्परता के साथ में कोरोना काल के बाद भी हमने कोई योजना नहीं रोकी, हमने 15 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया, सुरक्षा का वातावरण बनाया ताकि व्यापारी सुरक्षित रहे, माताएं बहने अपने के अंदर उनमें एक विश्वास जागा सुरक्षा का। तो जो योजनाएं हमने जमीन पर उतारी और जिस तरह से कोरोना काल में वैक्सीनेशन किया, उसके साथ साथ सबको सहायता राशि, राशन, सब कुछ लगातार चलता रहा, रुका कुछ नहीं, और उसके बाद अगर ये परिणाम आ रहे हैं तो कोई हमें आश्चर्य नहीं है। हम अपने रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी खुद ही तोड़ती है, हम आपने देखा है, और इसलिए मैं 10 तारीख का इंतजार हम सब करेंगे। हम 10 तारीख को ही एग्जिट पोल को जब एग्जैक्ट पोल में हम तब्दील कर लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास और सुशासन और हमारे कानून व्यवस्था पर मोहर लगाई है। आदरणीय मोदी जी की योजना, आदरणीय योगी जी ने जो यहाँ पर उसका क्रियान्वयन कराया है, उस पर मोहर लगी है। जैसा कि आपने प्रदीप गुप्ता जी के अभी उसमें दिखाया कि उन्होंने कहा है कि हमारी आधी आबादी को इतना विश्वास जागा है आज पहली बार, क्योंकि जिस तरह से 17 से पहले उत्तर प्रदेश था, उस उत्तर प्रदेश में कोई जाना नहीं चाहता, वो एक भयभीत माहौल रहता था, अपराध चरम सीमा पर रहता था। आज विकास पर मोहर लगी है, विश्वास की मोहर है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की। आदरणीय योगी जी ने दिन रात किया इसकी प्रशंसा, देश के कोने कोने में हुई है उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन की, तो ये अपने आप में, और खास करके अगर बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को अपना आशीर्वाद दिया, लगातार यहाँ पर योजनाएं भेजी और उसको जमीन पर उतारने का काम आदरणीय योगी सरकार ने किया है, ये उसका परिणाम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पर और आदरणीय योगी जी के ऊपर कि अगर कोई कानून स्थापित करेगा विकास कर सकता है वो भाजपा जी। अरशद आबिद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अरशद जी देखिए, 300 से ज्यादा सीटों का आपकी पार्टी ने दम भरा था, मामला तो बहुत कम पर अटक गया है, अगर यही नतीजे रहे तो क्या आप मानते हैं आपकी पार्टी की विफलता रही? देखिए, समाजवादी पार्टी में किसानों, नौजवानों, महिलाओं, वंचितों, शोषितों को लेकर चुनाव लड़ा, और इन्हीं सभी वर्गों के साथ और जो जितने भी समाज के वर्ग हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट दिया। लोगों ने देखा है किस तरह प्रधानमंत्री जी जानबूझकर 3 किसान विरोधी बिल लाए, इस बिल के तहत 700 किसान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द तक नहीं बोला। लोगों ने देखा लखीमपुर खीरी में किस तरह भाजपा के मंत्री अजय मिश्र टेना ने अपनी बेटी के साथ मिलकर, अजय मिश्र टेनी ने अपने बेटे के साथ मिलकर किसानों पर कार चढ़ा दी, ट्रैक्टर चढ़ा दिए, कितने किसान मारे गए, एक पत्रकार भी उसमें शहीद हो गए, मारे गए। लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश ये जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, कोई मुद्दा तो आपके लिए काम नहीं कर पाया, कहां खामी रह गई? मैं तो यही पूछ रही हूँ ना आपसे, आप तो मुद्दे गिनाने लगे जिस पर आपने चुनाव लड़ा। सुनिए सुनिए, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में, दिल्ली के इलेक्शन में भी ये सारे चैनल जितने भी थे गुमराह करने वाले सर्वे दिखा रहे थे, और ममता बनर्जी को बंगाल में हरा रहे थे, भाजपा की सरकार बना रहे थे, दिल्ली में केजरीवाल जी को हराकर भाजपा की सरकार बना रहे थे। और जब रिजल्ट आया, जब एग्जिट पोल के बाद जब काउंटिंग हुई, उसके बाद आपने देखा कि सारे ये गुमराह करने वाले पोल सर्वे झूठे साबित हुए, पूरी तरीके से फेल हो गए, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आपके मन मुताबिक नतीजे आते तो ये एग्जैक्ट पोल हो जाते, नहीं आए तो ये नहीं हुए करने वाले हैं। अभी तो अंगूर खट्टे वाली बात हो गई ना सर, कहां आप बताइए बंगाल में सरकार बने, आप बंगाल में सारे चैनल जो है कितनी सीटें दे रहे थे बीजेपी को,
और बीजेपी कहां से मांगी आपका 50 वही हजार ले वर्चस्व भाई है वहां उत्तर पर, दिल्ली में प्रदेश आपने में क्या जो गलती ममता है? दीदी का आप ये कह रहे हैं। सारे जो ये चैनल ने जो सर्वे किए हैं गुमराह करने वाले सर्वे हैं, समाजवादी पार्टी से गठबंधन मोहसिन तीन राजा सौ प्लस जी एग्जिट पोल नहीं उत्तर मान प्रदेश रहे हैं, में कहना है कि एग्जैक्ट एक पोल नहीं विकास है, एक दिन पार्टी का सरकार इंतजार बनाने करना जा होगा। रही है, मोहसिन समाजवादी जी से सरकार जवाब बनाने दे जा देते रही हैं। नेहा जी देखिए, समाजवादी पार्टी को 2017 में जनता ने नकार दिया था और आज भी नकारा है आदरणीय योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पूर्ण विश्वास के साथ में 24 करोड़ जनता ने मोहर लगाई है, उसका परिणाम है। हमने काम किया है दिन रात एक करके जनता के लिए, जो हमने जनता से संकल्प लिए थे आदरणीय योगी जी ने उनको पूरा किया है और आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद रहा। तो इसलिए डबल इंजन की सरकार ने ईमानदारी के साथ अच्छी नीति और नियत के साथ काम किया। इनके पास ना कोई नीति थी ना कोई नेता था, ठीक है, नीति और नियत की कमी थी। संजय जी, जिस बुलडोजर बाबा के अंडर करेंट की बात लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं, वो अंडर करेंट चला है या फिर विकास का मुद्दा क्या अहम रहा है जो इस तरीके के नतीजे आए हैं जो कि बीजेपी के फेवर में जाते हैं? नहीं, अंडर करेंट तो उस सेंस में कह सकते हैं नेहा, क्योंकि कोई भी आदमी इस तरह के जीत का अनुमान नहीं लगाया जा रहा था। वो जरूर है कि अभी एग्जिट पोल के अनुमान है, लेकिन ये अनुमान एक और तो बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अगर आप पिछले 20-30 साल को देखें तो यूपी में दोबारा सरकारें जीत के नहीं आई हैं। उस हिसाब से ये भी उपलब्धि है और निश्चित रूप से सब जनता ने जो भी यूपी सरकार बीजेपी सरकार ने यूपी में विकास के कार्य किए हैं उस पर मुहर लगाया है। एग्जिट पोल बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी सरकार दोबारा चुनाव जीत कर आ रही है। बिल्कुल, और नतीजे उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। देखिए कुमार, यहां पर आपने उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में रिपोर्टिंग की, कवरेज किया, मूड को भापा, लोगों के मिजाज को जाना, क्या यही अब एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है या फिर नतीजों के लिए अभी और इंतजार करें हम? चलिए, नतीजों के लिए तो हम इंतजार कर लें, लेकिन मैं एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जितने एग्जिट पोल हैं, अगर समाजवादी पार्टी के नेता उसे नहीं मान रहे, तो जो एक ट्रेंड है सभी एग्जिट पोल का, वो इतना तो दिखा ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। और पिछली बार 2017 में जो हमारे इंडिया टुडे माई एक्सिस ने किया था वो भी बिल्कुल सटीक था, लगभग सटीक था, उससे ज्यादा ही बीजेपी को सीटें आई और इस बार का भी प्रेडिक्शन वही है। तो अगर हम एग्जिट पोल पर बातें करें तो जिस तरीके से प्रदीप गुप्ता ने बताया है, तीन मुद्दे राशन, शासन और साथ साथ महिला, तो निश्चित तौर पर जमीन पर ये मुद्दे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। आप जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो खुलकर भले ही कोई ना बोल पाए, लेकिन यह बात साफ है कि इन तीन मुद्दों ने बीजेपी के लिए चमत्कार किया है। चाहे वो शासन की बात हो, उसमें आप बुलडोजर देख लें, राशन की बात हो, यानी कि जितने सरकारी योजनाएं हैं उसका वो प्रतिनिधित्व करता है, उसका प्रतीक रहा, खास करके फ्री राशन, और साथ साथ जो महिला वोटर सबसे बड़ी एक फैक्टर रही, और जो चुनाव आयोग के जो जो आंकड़े आए वोटरों के, वो साफ दिखा रहे हैं कि थर्ड फेज के बाद से कैसे 10-11% का गैप हो गया। तो ये कुल मिलाकर के सीधे सीधे बीजेपी को प्रचंड बहुमत की तरफ ले जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हालांकि एक्चुअल जो 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 रिजल्ट है वो तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन ठीक है। संजय जी से इस पर कमेंट ले लेते हैं। संजय जी, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट के तौर पर आप देखते हैं या फिर महिलाओं का बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ये एक अहम फैक्टर रहा? क्योंकि देखिए, महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। अगर आप ग्राउंड पर जाइए तो सारी महिलाएं ये कहती हैं कि इस सरकार में वो अपने आप को महफूज समझती हैं और ये एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज है। नहीं, आप ठीक कह रही हैं कि अगर आप महिला वोटरों को देखें तो तकरीबन उनकी आधी आबादी है, तो वोटरों में भी उनकी आधी संख्या है। कम से कम पांचवें और छठे चरण में यह देखने को मिला कि महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से कहीं ज्यादा था। इस बात की चर्चा हमेशा होती रही कि लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ा मुद्दा, और लॉ एंड ऑर्डर से महिलाएं ज्यादा अच्छे लॉ एंड ऑर्डर से महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। अभी तो इस बात का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है कि क्या महिलाओं ने कितना बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया, लेकिन टर्नआउट इस ओर संकेत जरूर देता है कि महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा था। जिस तरह के एग्जिट पोल के अनुमान है उस हिसाब से ये तो संकेत मिल रहे हैं कि महिलाओं ने निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर वोट किया होगा। इस वजह से एग्जिट पोल के अनुमान ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी जीत हो रही है, लेकिन ये क्यूमुलेटिव है। सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है जो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाएगी। महंगाई, भ्रष्टाचार पर, महंगाई और बेरोजगारी पर लोग नाराजगी अभी भी साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन जो विकास के कार्य हुए उन पर बीजेपी यूपी की जनता ने मुहर लगाया है,
और निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि आपको याद होगा नेहा, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और मुझे लगता है इसकी सफलता साफ दिखाई पड़ रही है। अर्शद आबिद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अर्शद जी देखिए, आपने 2017 में भी गठबंधन किया था, वो काम नहीं किया। 2022 में भी आपने गठबंधन किया, ओम प्रकाश राजभर आपके साथ जुड़े, जयंत चौधरी आपके साथ जुड़े, एक बार फिर आपको लगता है कि आपके लिए ये फैक्टर काम नहीं कर पाया? देखिए, भारतीय राजनीति में नहीं, देश की जो पूरी दुनिया के देश हैं उनकी राजनीति में भी गठबंधनों का दौर चलता है और गठबंधन होते रहते हैं। अगर हम दलितों, पिछड़ों, शोषितों, किसानों के लिए आवाज उठाने वाले, उनके लिए काम करने वाले पार्टियों से गठबंधन करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा रहता है। समाजवादी पार्टी ने तो पहले भी गठबंधन कर सरकार बनाई है और पार्टियों ने भी बनाई है, और भाजपा भी बिना गठबंधन के किसी स्टेट में सरकार नहीं बना पाई, चाहे छोटा दल हो या बड़ा दल, उसको साथ लेकर सरकार बनाई है। अगर आप इस एग्जिट पोल को ही एग्जिट पोल मान चुके हैं तो आप मुझे बताइए, आंकड़े दिखाइए। नहीं माना, कह रहे हैं कि अनुमान है, इन अनुमानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या आपके लिए गठबंधन फैक्टर काम किया है या नहीं किया है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम आपको वहां पर बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा सीटें आएंगी जयंत चौधरी से हाथ मिलाने की वजह से। आप सुन लीजिए, अभी काउंटिंग तो हो नहीं है, काउंटिंग होने दीजिए। समाजवादी पार्टी की ओर से गठबंधन की रफ्तार देख लीजिए। भाजपा वाले जो अब खुशफहमी का शिकार है, खुश हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से मायूस हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार, मोहसिन रजा जी, मायूसी हाथ लगने वाली है, आपके खुशफहमी का शिकार है आप। में भी यही हुआ था कि ममता बनर्जी जी जीती थी, सरकार बनाई थी, और दिल्ली में भी यही हुआ था। दस को भी ये सब ऐसे ही बात करेंगे, फिर ये ईवीएम का रोना शुरू करेंगे। अभी तो ये खाली ये सब एग्जिट पोल नहीं है, और ये हम कब कह रहे हैं, ये तो अनुमान है। हम खुद ही कह रहे हैं कि 10 तारीख को हम प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर आएंगे, लेकिन इनके अपराध को, इनके भ्रष्टाचार को, इनके गुंडा राज को एक्सेप्ट नहीं किया है। चौथा प्रयोग था अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में, किसी भी प्रयोग को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने स्वीकार नहीं किया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि आदरणीय योगी जी पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पर विश्वास किया है कि यहाँ कानून व्यवस्था भी है, यहाँ विकास भी है, हम सुरक्षित भी हैं। तो ये अपने आप में दिख रहा है। अपराधियों से अगर किसी ने नजात दिलाई है उत्तर प्रदेश को, वो आदरणीय योगी सरकार ने दिलवाई है, क्योंकि यहाँ तो ये अभी भी आए थे तो देखिए आप, बेल में अपराधी, जेल में अपराधी, वो इनके प्रत्याशी बन रहे थे। तो इनके पास में कोई अच्छी नीति नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी इनके गठबंधन में। इनके गठबंधन में निजी स्वार्थ था, परिवारवाद था, बेईमानी थी, उसको नकारा है उत्तर प्रदेश की जनता ने। ठीक है, मैं लौटूंगी इस चर्चा पर, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको उत्तराखंड का भी हाल दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर भी दरअसल बीजेपी के लिए खुशखबरी है अगर यही अनुमान जो है एक्चुअल नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। वोट परसेंटेज बीजेपी के लिए वहां पर 44%, कांग्रेस भी लगभग टक्कर देती हुई 40% वोट परसेंटेज के साथ, बीएसपी को 6% वोट, वहीं आपको 3% और अन्य को 7%। उत्तराखंड की कुल 70 सीटों का ये हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं वोट परसेंटेज के लिहाज से, यानी कि कितना किसे वोट हासिल हुआ है वहां उत्तराखंड में। वहीं बीजेपी की वहां पर अनुमान के मुताबिक 36 से 46 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस भी ज्यादा पीछे नहीं है, 20 से 30 सीटों का अनुमान है, बीएसपी के लिए 2 से 4 सीटें और अन्य के लिए 2 से 5 सीटों का अनुमान। यानी कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है, और ये जाहिर तौर पर दर्शाती है कि कैसे एक बार फिर से वहां के लोगों ने बीजेपी पर भरोसा दर्शाया है और दिखाया है वोट के लिहाज से। और अब आपको दिखा देते हैं जाति आधारित समर्थन जो कि उत्तराखंड में हासिल हुआ, राजपूत, ब्राह्मण और ओबीसी मतदाता लगभग 66% ने बीजेपी के हक में वोट डाला है। यानी कि ये वो वोट बैंक जो कि बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा है, और इन्होंने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो और ओबीसी हो, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में उत्तराखंड में वोट डाला है। अगर महिला मतदाताओं की बात करें जो कि इस चुनाव में बेहद अहम फैक्टर बताया जा रहा है, मोदी के नाम पर 31% महिलाओं ने वोट किया है, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, और ये एक अहम फैक्टर माना जा रहा है कई प्रदेशों के लिहाज से, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये जो तमाम एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनमें सीएम के तौर पर महिलाओं की पसंद कौन रहा है। अब हरीश रावत जो कि कांग्रेस से हैं, पुष्कर सिंह धामी जो कि मौजूदा सीएम है उत्तराखंड के,
किस तरीके से महिलाओं ने इन दोनों के नाम पर वोट डाला है। वहीं बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो महिला मतदाता कुल 46% ऐसी हैं जिनका बीजेपी की ओर रुझान था, वहीं 38% ऐसी महिलाएं हैं जिनका वोट कांग्रेस को गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महिलाओं की पहली पसंद यहां पर बीजेपी एज अ पार्टी दिखाई देती है। वहीं बीजेपी को मिले वोट की वजह कई वजह है, साफ तौर पर वहां पर बार बार सीएम बदले गए, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई वहां पर उत्तराखंड में। जिस तरीके से वोट्स कास्ट किए गए हैं, वोट डाले गए हैं, उनको लेकर यह कहा जा रहा है कि ये एक अहम फैक्टर है हमारे प्रधानमंत्री, जो वहां उत्तराखंड में जाकर उन्होंने प्रचार किया वो बीजेपी के हक में गया। वहीं कुल सीटों का हमने आपको दिखाई दिया है आंकड़ा, अब आपको दिखाते हैं पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं एग्जिट पोल के बाद। हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, और मोदी जी का भी बहुत उत्तराखंड के साथ लगाव रहा है शुरू से ही। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार यहाँ पर काम किए हैं, चाहे उस सड़कों का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है, रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है। उत्तराखंड की जनता ने देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता ने इन कामों को देखकर अपना समर्थन दिया है। चलिए अब उत्तराखंड के बाद पंजाब की बात कर लेते हैं, जहां पर कुल 117 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में 28% वोट। लेकिन ये देखिए, आप यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई, 41% वोट आपको मिले हैं, अकाली और गठबंधन को 19% वोट, जबकि बीजेपी को महज 7% और अन्य को 5%। यानी कि आप यहां पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज गया है। और साथ ही अब आपको सीटों के लिहाज से भी दिखा देते हैं कि कुल 117 सीटों में आपको यहां पर कितनी सीटें हासिल हो रही हैं अनुमान के मुताबिक। यहां पर आपको हासिल हो रही हैं 76 से लेकर 90 सीटें, यानी कि पूर्ण बहुमत की ओर आम आदमी पार्टी यहां पंजाब में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस को 19 से 31 सीटें, जबकि अकाली दल प्लस को 7 से 11 सीटें, बीजेपी प्लस को 1 से 4 सीटें, वहीं अन्य को 0 से 2 सीटों का अनुमान इस एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर तस्वीर देखी जाए तो यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आप उभरी है। और जिस तरीके से यहां पर किसको कितनी सीटें हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये दरअसल गठबंधन के तौर पर देखिए कि यहां पर बीजेपी ने गठबंधन किया पीएलसी से, उस लिहाज से किसको कितनी सीट मिली। वहीं कांग्रेस को ये तमाम वो आंकड़े जिससे ये मालूम चलता है कि वहां पंजाब की तस्वीर किस तरीके से अब इस बार बदल गई है, बदलाव की ओर पंजाब बढ़ रहा है। और यही बात लगातार वहां के वोटर्स भी कह रहे थे कि हम वहां पर बदलाव देखना चाहते हैं, और ऐसे में जो तमाम गठबंधन किए गए वो कहीं ना कहीं फेल दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत जोर शोर से वहां पर आपकी ओर से प्रचार किया गया, भगवत मान को सीएम कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया, और अब देखिए हो सकता है कि अगर यही नतीजे आए तो भगवंत मान पंजाब के अगले सीएम हो सकते हैं। पंजाब के एग्जिट पोल से साफ है कि आम आदमी पार्टी ने दूसरी सभी पार्टियों का सफाया कर दिया है। 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस को 19 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है, अकाली दल को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी सत्ता की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने वर्षों पुरानी सियासी पार्टियों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। मैं काफी सेटिस्फाइड हूं कि क्योंकि लोगों का फतवा इतने आज देखना है, लोगों का फतवा जिहड़ा इन्हां मशीनां दे विच पिया है, ते 10 तरीक नूं नतीजे आउणगे, बाकी जो भी जनता का फैसला होगा वो सिर मत्थे होगा। अब ये जो है बक्से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए 10 तारीख। एग्जिट पोल में पंजाब में आम आदमी पार्टी को 41% वोट मिलने का अनुमान है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 7% वोट मिलने का अनुमान है।
पंजाब के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने से भगवंत मान का सीएम बनने का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकार चलाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हमें ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मालवा की पार्टी है, माझा और द्वाबा में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और शुरू से ही अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, भगवंत मान साहब की लीडरशिप में, हमने पहले दिन से सारा काफी फोकस माझा और द्वाबा में भी किया और आज वो नतीजे नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ी मायूसी लेकर आए हैं। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी के दलित चेहरा का दाव खेलने के बाद भी कांग्रेस बहुमत से बहुत दूर खड़ी दिखाई दे रही है। साल 2017 में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, लेकिन इस बार कांग्रेस का सरकार बनाने का सपना सिर्फ सपना होता दिखाई दे रहा है। आज तक ब्यूरो। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, देखिए जिस तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं पंजाब के लिहाज से, आपकी पार्टी के लिए तो ऐतिहासिक जीत वहां पर दिखाई दे रही है। हालांकि परिणाम और नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन क्या वजह मानते हैं, क्या बड़ा फैक्टर वहां आपके लिए काम कर गया? देखिए नेहा जी, मैं चूंकि पूरे कैंपेन के दौरान पंजाब में था और हमने देखा कि पंजाब में लोग बदलाव के लिए वोट करना चाहता है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है, उस गवर्नेंस को लोग पसंद करते हैं, उसकी चर्चा खूब थी। जो हमने पंजाब के लोगों को प्रॉमिस अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, अरविंद जी ने कहा कि ये गारंटी कार्ड है, तो अरविंद केजरीवाल जी के बातों पर भरोसा लोगों का था, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी, 5 साल में जिस तरह से वहां पे तरह तरह के माफिया, चाहे वो चिट्टा माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो, रेत माफिया हो, तो मुझे लगता है कि लोग कांग्रेस के उस गवर्नेंस से परेशान थे। और 70 साल से मुझे लगता है पंजाब केवल लूटने का काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि पूरे पंजाब में मैं देख रहा था कि लोग बदलाव के लिए वोट करना चाहते थे, लोग अरविंद केजरीवाल जी को वोट करना चाहते थे, और वही कमोबेश आपके सर्वे में दिख भी रहा है। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगी। संजय कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय जी, देखिए जो यहां पर फैक्टर आपकी ओर से बताया जा रहा है, बदलाव, यानी कि हर शख्स जो पंजाब में मौजूद था वो ये चाहता था कि उन्हें अब कांग्रेस से, अकाली दल से, इनसे छुटकारा मिले, और वो बदलाव की ओर बढ़ रहे थे। बिल्कुल नेहा, एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो तो बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते थे। बाइपोलर कंटेस्ट रहा है पंजाब में, या तो अकालियों की सरकार बनती है या कांग्रेस की सरकार बनी। पिछले 50 साल में ऐसी ही सरकारें वहां पंजाब की जनता को देखने को मिली, और जिस तरह से रुझान दिख रहे हैं एग्जिट पोल के, उस हिसाब से तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि पंजाब की जनता ना तो अकालियों को पसंद कर रही है, ना कांग्रेस को पसंद कर रही है, और एक नए विकल्प की तलाश कर रही है, और वो नया विकल्प आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने सक्सेसफुल सरकार चलाया है दिल्ली में, उसका मॉडल जिसका जिक्र संजीव कर रहे थे, उसकी चर्चा होती है दिल्ली के बाहर कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूल और शिक्षा, दो क्षेत्रों में जबरदस्त परिवर्तन किया, बहुत बदलाव आए हैं दिल्ली में। मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इस उम्मीद से आम आदमी पार्टी के लिए वोट कर रही है कि पंजाब में भी कम से कम इन दो मुद्दों पर तो सुधार होगा, अन्य कई चीजों पर भी, और सुधार होने की वो उम्मीद कर रहे हैं जब आम आदमी पार्टी की सरकार बने। संजय जी, यहाँ पर ये भी स्पष्ट करें कि जो कांग्रेस में अंदरूनी कलह थी अमरिंदर सिंह का छोड़ के जाना, उसके बाद हमने देखा कि कैसे सिद्धू वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स में कांग्रेस के लिए ये कहा जाए कि कलह के जिम्मेदार थे, लेकिन अमरिंदर सिंह का छोड़कर जाना पार्टी को कांग्रेस के लिए नुकसान दे रहा या फिर कहीं ना कहीं फायदेमंद रहा? देखिए, फायदेमंद तो होता हुआ कहीं से दिखाई नहीं पड़ता नेहा, क्योंकि कांग्रेस अगर मुकाबले में भी होती तो हम कह सकते थे अमरिंदर साथ होते तो शायद कांग्रेस चुनाव जीत जाती, लेकिन कांग्रेस का जो जिस तरह से हालत दिखाई पड़ रही है एग्जिट पोल में, उसके हिसाब से तो यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि अमरिंदर होते तो कांग्रेस शायद चुनाव जीत जाती। मुझे नहीं लगता है कि अमरिंदर सिंह के जाने का कोई बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव कांग्रेस पर पड़ रहा है। मुझे उससे ज्यादा प्रभाव जो कांग्रेस में अंदरूनी कलह रही अमरिंदर सिंह के छोड़ने के बाद भी, ये जो तमाम चन्नी और सिद्धू के बीच में कभी भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ा कि पूरी टीम एक साथ खेल रही हो मैच, तो अगर टीम के बीच में ही अंदर में बिखरा हो तो टीम के मैच जीतने की तो गुंजाइश नहीं है। और जो दर्शक भी होते हैं, और मैं दर्शकों के नजरिए से वोटरों की बात कर रहा हूं, वोटरों का भी आस्था नहीं बनता, उन्हें नहीं लगता है कि इस पार्टी को वोट किया जाए जिस पार्टी में अंदरूनी कलह है। तो अगर पार्टी सरकार बना भी ली तो सरकार कैसे चलाएगी, इन सब चीजों का फर्क पड़ा और लोगों ने नए विकल्प की ओर वोट किया है। मोहसिन रजा जी, टीम प्लेयर की तरह तो आप खेल ही रहे थे वहां पंजाब में,
अगर यूपी में मोदी जी का जादू चल गया, योगी जी का जादू चल गया, उत्तराखंड में भी कहा जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर वोट डले, पंजाब में ऐसा क्यों नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा? नहीं, हमने कहा ना कि पंजाब में आप हमारा प्रदर्शन देखिएगा। मैंने कहा 10 तारीख को नतीजे आएंगे, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पंजाब में और चार राज्यों में हम प्रचंड बहुमत की सरकार और बहुमत की सरकार बना रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। आदरणीय मोदी जी को लेकर पूरे देश में एक विश्वास है और विकास है, ये सब मान रहे हैं, पूरा देश मान रहा है, उसी का परिणाम उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, उसी का गोवा में परिणाम दिख रहा है, उसी में उत्तराखंड का, और वह उसी में आप देखें पंजाब भी है। पंजाब में भी आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आप परिणाम आएंगे आप देखिएगा। तो इसलिए आज एक अच्छा नेतृत्व देश को मिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और देश आगे बढ़ रहा है। तो ये मानना है कि सभी लोग विश्वास जता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, जो नीति देश हित में, राज्यों के हित में, जिस तरह की जिस राज्य की परिस्थितियां हैं उस तरह की वहां पर योजनाएं बनाकर आदरणीय मोदी जी भेज रहे हैं और उसका क्रियान्वयन हो रहा है, उसी का परिणाम आपने उत्तर प्रदेश में देखा। हम प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर आ रहे हैं जैसा कि आप अनुमान दिखा रहे हैं, और ये हम लोग पहले से मान रहे थे क्योंकि हमने यहाँ पर हर तरह से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की चिंता की है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने, और हर योजना को उनके घर तक पहुंचाने का पारदर्शी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी सरकार ने काम किया है। एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हुआ है हमारा, और हमने सुरक्षा भी दी है, राशन भी पहुंचाया है, गरीबों को मकान भी दिया है, नौजवानों को नौकरियां दी है, तो योजनाएं जितनी भी है, व्यापारियों को सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था दी है। तो इस तरह से जिस तरह से अभी बात कर रहे थे संजय जी, हमारे जो आधी आबादी है महिलाओं की, हमारी माताएं बहने, उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट किया है आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास की मुहर लगाई। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। संजीव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी देखिए, अगर ये जो रुझान आ रहे हैं एग्जिट पोल में, अगर ये नतीजों में तब्दील हो जाते हैं और मानते हैं हम कि आपकी सरकार बनेगी पंजाब में, ऐसे में दिल्ली मॉडल को पंजाब में इम्प्लीमेंट करना, वहां पर लागू करने में कौन सी सबसे बड़ी चुनौतियां आपकी पार्टी देखती है? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली से बाहर चलकर अब एक प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक और सूबे में सरकार बनेगी। तो बहुत बार लोग कहते थे कि नहीं चलो दिल्ली तो राजधानी है, दिल्ली आधा अधूरा प्रदेश है, तो हमें भी अब एक पूरा मॉडल इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा और पंजाब के जरिए पूरे देश में वो पंजाब मॉडल को फिर हम पेश कर सकते हैं। मुझे लगता है चुनौतियां नहीं, विल और ईमानदारी से सरकार चलाने की नियत होना चाहिए, और जो भी हमने प्रोमिसेस किए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, रोजगार की बात हो, पांच साल के कामकाज एक पूरा पैकेज होगा जो 70 साल से पंजाब की में जो भी सत्ता में लूट होती रही, मुझे लगता है कि एक पूरा मॉडल अब पंजाब मॉडल पूरे देश में एक उदाहरण पेश करेगा। देखिए, एक बात तो तय है, पंजाब हो या अब देखिए 5 जगह चुनाव हो रहा था, पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। अब एक बात तो तय लग रहा है कि कांग्रेस पे लोगों को भरोसा नहीं रहा। अब आपके सर्वे भी दिखाते हैं कि जहां जहां कांग्रेस बीजेपी डायरेक्ट फाइट में है, कांग्रेस पे लोगों को भरोसा नहीं है, और आम आदमी पार्टी का एक्सेप्टेंस पूरे देश में बढ़ रहा है और अन्य प्रदेशों में जहां जहां चुनाव हो रहा है हमारे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी एक एक एक, एक बहुत तेजी से अपनी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ अग्रसर हो रही है, और मुझे लगता है कि अब डेवलपमेंट अगला टारगेट क्या है आपका? गुजरात डेवलपमेंट के नाम पे लोग अगला राज्य गुजरात है सर। गुजरात जहां जहां मुझे लगता है कि अब पूरे देश में जहां जहां भी चुनाव हो रहा है, अब चुनाव मुद्दों पे हो रहे हैं, चुनाव शिक्षा के मुद्दों पे हो रहा है, स्वास्थ्य के मुद्दों पे हो रहा है, रोजगार पे हो रहा है, बिजली पे हो रहा है, पानी पे हो रहा है, ये मुद्दों पे राजनीति जो बंद हो गई थी वो आम आदमी पार्टी के आने से अब मुद्दों की राजनीति शुरू हो गई है, और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के 5 साल के कामकाज को उस केजरीवाल मॉडल की चर्चा हर प्रदेश में होती है, और हर प्रदेश के लोग ये चाहते हैं कि जो शिक्षा में बदलाव, जो स्वास्थ्य में बदलाव दिल्ली में हुआ है वो हमारे प्रदेश में होना चाहिए। कामकाज के बहाने होते तो चन्नी जी के पास बहुत सारे कामकाज थे, लेकिन वो तो व्यक्तिगत टिप्पणियां करने में उलझ गए। केजरीवाल जी पर न जाने उन्होंने कपड़ों को लेकर, उनके रंग को लेकर क्या कुछ नहीं कह डाला। देखिए, मुझे ये लगता है कि जब आपके पास ये ना तो आप जाति का मुद्दा बना लेते हैं, क्षेत्र का मुद्दा बना लेते हैं, कपड़ों का मुद्दा बना लेते हैं, रंग को मुद्दा बना लेते हैं, ये अपने आप में हताशा दिखता। और एक एक बात और दिखी, पहली बार पंजाब में दिखा कि कांग्रेस और बीजेपी की गठजोड़ है। आपने भी देखा होगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि भाई
आप आम आदमी पार्टी को वोट निकाला, कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी जीत रही है आप कांग्रेस तो पहली बार देखा कि राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री ठीक है सर मैं लौटूंगी आपके पास इस बीच एग्जिट पोल को लेकर राघव चड्ढा और सलमान खुर्शीद क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। मैं आम आदमी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी जीत पंजाब के लोगों की हुई है और 10 तारीख को पता लगेगा, लेकिन एक बदलाव की लहर पूरे पंजाब में थी और आपका एग्जिट पोल ये दिखाता है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसे दिल्ली में ट्राई किया गया, टेस्ट किया गया, ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल पे पंजाब के लोगों ने भी मोहर लगाई और कहा हम भी वही दिल्ली मॉडल की गवर्नेंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब जीतती है जो आज आपके एग्जिट पोल से नजर आ रहा है उससे दो तीन चीजें साफ तौर पर सिद्ध हो जाती है। पहली चीज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को स्वागत किया है दिल्ली के बाहर के एक और सूबे ने यानी कि पंजाब ने। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जो सही परिणाम इसके होंगे वो पूरे देश के लिए प्रभावित, पूरे देश को प्रभावित करेंगे, इसलिए हम तो उम्मीद के साथ 10 तारीख की प्रतीक्षा करेंगे। हमारा पूरा विश्वास हमारे मुख्यमंत्री में है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा विश्वास है वो हवाई नहीं है, वो जमीनी विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूं कि जमीन से हमको अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कल विशेष कवरेज आज तक की ओर से एग्जिट पोल के नतीजों पर जिसमें खास तौर पर पंजाब के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं बता रही मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। पंजाब का जल्दी से पंजाब के आंकड़े एक बार फिर से आपको बताते हैं कि अब की बार पंजाब में बह रही है किसकी बयार। ये जो हमारा अनुमान है ये अनुमान बहुत कुछ कहता है और यकीनन पंजाब में वास्तव में 10 तारीख को भी क्या इसी तरह की तस्वीर रहने वाली है। हम आ चुके हैं देखिए पंजाबी मिजाज वाला ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पर और जल्दी से पीछे से ट्रैक्टर एक के बाद एक आंकड़े सामने लेकर आएगा जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कि पंजाब की इस बार की फिजा किस तरह से बदल गई है। आपको बताते चले जिस तरह अगर मैं थोड़ा सा किनारे हो जाऊं आप यहां पर देख पा रहे हैं 19 से 31 सीटें कांग्रेस पार्टी जिसने 2017 में 77 सीटों पर 117 में से जीत हासिल की थी इस बार सिर्फ 19 से 31 में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पंजाब में जो किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पंजाबी किसान आकर बैठे थे उसको भी अपने पक्ष में यहां पर कांग्रेस नहीं कर पाई है, कम से कम हमारा ही अनुमान यही कहता है। यहां पर बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर की सीटें देखिए 1 से लेकर 4 तक यानी कि कोई भी कमाल ये गठबंधन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बीजेपी पहले से ही मान रही है कि उसके लिए खोने के लिए पंजाब में कुछ है नहीं, वो अपना विस्तार जरूर करना चाहती है लेकिन यहां पर कैप्टन के साथ मिलकर भी बीजेपी के लिए न खोने को बहुत ज्यादा न पाने के लिए बहुत ज्यादा और ये बीजेपी का ट्रैक्टर भी आगे बढ़ गया। अब हम बात कर लेते हैं शिरोमणि अकाली दल जिसने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था और उसको पूरी उम्मीद थी कि कुछ कमाल वो कर जाएंगे लेकिन यहाँ पर देखिए अकाली दल गठबंधन को भी 7 से 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब बारी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी शानदार तरीके से सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है, 76 से लेकर 90 सीटें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई पंजाब में आपको दिखाई दे रही है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आम आदमी पार्टी जिसने 20 सीटें हासिल की थी 2017 में लेकिन इस बार प्रचंड तरीके से हमारे इस अनुमान के मुताबिक अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। अकाली दल भी तो संजय जी, संजीव जी और साथ ही मोहसिन जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।